ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमन मैन। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैसूर पैलेस का पूरा डिटेल वीडियो गाइड साहब के ज़ुबानी में। तो पूरा चीज़ आपको लोगों को बताएंगे कि क्या क्या इसमें खासियत है, क्या इसका स्पेशलिटी है। तो आइए देखें। ये महल का नाम मैसूर की महाराज कृष्णराज वड़ियर ने बनाया थे 1897 से 1912 1897 to 1912। बनाने में 15 साल लगे। उस समय पूरा महल बनाने के लिए 42 लाख रुपये खर्चा हुआ। 32 लाख। महल का ऊंचा 145 फीट, इसका चौड़ा है 156 फीट। पूरे महल 8 एकड़ में बनाए। महल का पूरा बाउंड्री है 72 एकड़, 72 एकड़ अपनी बाउंड्री। ये महल बनने से पहले इस जगह पर पुराना महल था। पुराने महल अचानक में आग लग के जल गई, इसीलिए महाराज नई महल बना। ये पुराना महल का कॉपी है। अच्छा, ये पुराना महल का कॉपी है। ऊपर देखिए, हम पीओपी है। वनस्पति पेंटिंग में सोने का गुलाब से मिलाकर पेंट किया है। उसको दोबारा रीटच कुछ नहीं करे, तब जो क्या किया था पेंटिंग आज भी वैसी रखा है। 100 बरस पुराना पेंटिंग है। इसके अंदर देखिए तो गणेश मूर्ति है, संगीत गणपति, राम सीता गणेश हनुमान नंदी दत्तात्रेय, हाथी दरवाजे, एलिफेंट गेट, ये पीतल से बनाई है। राजा लोगों ने शिकार किया था जंगल में, हाथी शेर काट के स्टफ करके रखा है। हाथी का दांत दसरी नहीं है, दांत नकली है, केमिकल में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर मिट्टी मसाला घुस सब भरे हुए वजन अंजीर लकड़ी के ऊपर से लोहा, लोहा के ऊपर सोने की पतरा है, 80 किलो सोना इसमें। इसके अंदर देवी मूर्ति भी बिठा कर जाती है दसरे में। अब ये 15 तारीख में चलती है दसरे सवारी। अच्छा, वो है पालकी, पालकी पालकी है, सोने का पालकी। 80 kg को 80 किलो सोना, बाकी आप लोग दसरे देखने का नहीं रहे तो पेंटिंग भी देखिए, भरोसा रख सकते हैं। उस दिन में कैसे चलती थी दसरे सवारी, तस्वीर उठाकर तस्वीर आपको देखकर कपड़े में पेंटिंग बनाकर दीवार के ऊपर चिपका। अच्छा, कैनवस कैनवस की चारा देखी है, 3 डायमेंशन पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है। आप लोग कौन सा एंगल में खड़े रहे आपको देखने के तरफ से मालूम पड़ेगा। ऐसा क्या, दिस इज 3D पेंटिंग। तो आदमी आप ही को देख रहा है ऐसा। हाँ जी, वैसा नहीं है। नहीं, तुमको उभर के आता है ना, 3D पेंटिंग है। उभर के आ रहा है। हाँ, 3D नहीं। 1931 में ये सारा पेंटिंग हुआ है, 1944 तक सारा पेंटिंग हुआ, 26 का नाम है। अरे कुश्ती 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 का अखाड़ा। शस्त्र पकड़ कर मल्लयुद्ध खेल लड़ती हैं, जो लड़ने के समय थोड़ी खून निकले किसी से, मल्लयुद्ध खेल बंद। राजा लोग ऊपर बैठती है, राज परिवार लोग बैठकर। अच्छा, वहाँ से ऊपर। अभी भी राजा का निवास, उनका रेसिडेंस, महल का पिक्चर रहता है। इनका नाम यदुवीर महाराज, अभी शादी हुआ 216 में, 5 साल में तो शादी होके 3 साल की लड़का है। 28वीं पीढ़ी चल रही है। कितना पीढ़ी है? 28वीं पीढ़ी। 28। अष्ट कोनाकृति है, 8 कोने। ये कमरे हैं, स्कॉटलैंड से लाए थे, आयरन से बनाए, कास्ट आयरन लोहा से बनाए थे, स्कॉटलैंड से लाए। ये जो पिलर्स है, पिलर है। अच्छा, ऊपर की डूम है ना, जकोस्लोवाकिया, जक रिपब्लिक से झूमर है। ऊपर का डूम स्टेनलेस ग्लास, ग्लासगो देश से लाए थे, ग्लासगो। अच्छा, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ये टाइल्स इंग्लैंड के हैं।
पंखा अमेरिका से आए थे, जी कंपनी वाला, जी का जनरल इलेक्ट्रिक। हाँ हाँ हाँ। अभी 27वीं राजा का शादी इधर ही हुई थी। अच्छा इधर ही हुआ था। 2016 में 25वीं राजा का शादी भी इधर ही हुई थी। इसको बोलते हैं शादी के मंडप, शादी का मंडप। इसी के कृष्णा राज बढ़िया, इसी ने महल बना, वृंदावन गार्डन बना, यूनिवर्सिटी बने, मैसूर के लिए ज्यादा मेहनत किया। ओके। महात्मा गांधी ने इनको राजश्री पुरस्कार मिले। 1940 में इनका देहांत हुआ। हाँ पेंटिंग बाहर पूरा जैसे लग रहा है, क्या आ रहा है। हाथ में घूमती रही। 1916 में सुंदर पेंटिंग बने। इनका पति है तेईसवीं राजा, इनका नाम चामराव जी तो पड़े जा। ये पेंटिंग नहीं है, ये तस्वीर है। ये चेहरे देखिए, पूरा पीली पेंटिंग है। चूने में घूमेगी, अंगूठी में घूमती रही। देखिए बेटा तो छोड़ दिया, छोटा भाई की बेटा है 25वां राजा। ये मैसूर संसार के आखिरी राजा, इसके बाद इंडिया को आजादी मिला। राजा रवि वर्मा पेंटिंग है। महाराज बच्चा, बच्चों के साथ दोनों बड़ी बहन है। ब्रिटिश राजा रानी है अलेक्जेंड्रा एडवर्ड समय। ये चांदी के गिफ्ट बॉक्स है, राजा लोगों को मिला है। ये देने के लिए इन्होंने लिए हुआ है। यह चांदी है या चंदन है। ठीक है, तो मैसूर पाक के लिए फेमस है गुरु गुरु स्वीट शॉप और सिल्क साड़ी के लिए आप गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का कोई भी एम्पोरियम है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री शोरूम पक्का मैसूर सिल्क 100%। राजा का भाई, भाई की बेटा। ओके। तीन आदमी भी बैठकर सवारी निकल रही है मार्च से, जो मैं बताया ना पलकी। हाँ, हाँ। वही है ना। अच्छा, वो दशहरा के टाइम पे निकलता है। हाँ, 15 तारीख में निकलती है अभी। अच्छा, तो उसके ऊपर राजा बैठते कि नहीं बैठते। अभी नहीं बैठते। क्यों? राजधन रद्द किया इंदिरा गांधी द्वारा। इंडियन कौन कौन राजा थे उनको क्या स्पेशलिटीज देते थे सरकार से, कट हो गए। पीवी पर्स, सब लोग इंडियन टैक्स देना पड़े, सबके पास मामूली आदमी हो गए। जब से राजा लोग हाथी के ऊपर बैठने के लिए इरादा नहीं, इसलिए राजा लोग नहीं बैठते। दरबार भी जनता के साथ दरबार नहीं लेगा, उनके परिवार के साथ लेते। 70 के बाद में 70 तक बैठते थे, बैठते थे हाथी के ऊपर। महाराज का रेसिडेंस जाने का रास्ता है। अच्छा, सागवान लकड़ी से बना है, सुंदर है। मतलब अभी का जो महाराजा है उनका प्राइवेट रेसिडेंस अभी है ना। ओके, उनके कार्यक्रम है तो ये खुला हो जाएगा, वो लोग इधर आए। ओके ओके ओके। ऐसा दरवाजे 150 से 200 दरवाजे है पूरा माल में। ड्रेसिंग रूम के लिए स्वागत है। अच्छा, ऊपर देखे तो सुंदर कारागरी है, सागवान लकड़ी से बनाए, सागवान से हाथ से बनाए, मिशनरी की कम नहीं है। ये दोनों साइड में देखिए, इटली से लाए थे, वेनिस मुरोनो मिरर है, छोटा कुर्सी है, स्पॉटिक है, बेल्जियम से लाए थे महाराज के बच्चों बैठने के लिए। चांदी के कुर्सी में लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड कर्जन, लोग बैठकर राजा के साथ मिलकर बात करने के लिए चांदी की कुर्सी। ये कॉर्पेट लैम्प्स होती है, कॉर्पेट राजा लोग चलने के समय तो कॉर्पेट के ऊपर बैठ के चलने के, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अच्छा, 5 फुट 2 का, बड़े बड़े महान। 5 फुट 2 इंच हाइट था उनका, छोटे हाइट के थे। क्योंकि मैं पहले आया था, वो ऐसा मिरर था उसमें बहुत दिन पहले। हम तो बोल रहे हैं 82-83 का बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे मालूम है। तो वहाँ पे वो बहुत मजेदार रूम था, देख। कॉन्वेक्स रूम था क्या था? अरे वो मिरर्स डिफरेंट टाइप का है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का वो मिक्स था। तो उसमें क्या है, तुम्हारा नीचे का पोर्शन पतला हो जाएगा, ऊपर का मोटा हो जाएगा, उस हिसाब से कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर मिलाते थे। वो आदमी प्रवासी हो, ऊपर गिरा के डैमेज किया, तब से वो मिरर को रिपेयर करके उठा दिया। बट ऊपर का ये देखा है, तुम्हारा काम देखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली
टेक्नोलॉजी थोड़ी आ गई। हाँ ऑब्वियसली हम आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलते। हाँ कम से कम 155 फीट लंबा है, 42 फीट चौड़े हैं, 36 खंभे हैं, 36 पिलर्स हैं, चूना मिट्टी खंभे होती है, खंभे सीमेंट नहीं है ये, चूना मिट्टी का, चूना मिट्टी खारा होता है। ये जगह में राजा लोग सिंहासन पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद महाराज सिंहासन पर बैठते हैं, वो बैठने से पूरा महल का लाइटिंग चालू होती है, ऊपर में राजा परिवार लोग बैठ कर देखने के लिए, उस तरफ औरत लोग बैठने के लिए, इस तरफ मेहमानी लोग बैठने के लिए, जनता लोग सामने जमा होते, मतलब जनता से बात नहीं करते थे, वो लोगों को देख के प्रणाम करने से आशीर्वाद करेगा। मतलब इसलिए ये दरबार एरिया है, दरबार हॉल। हाँ दरबार हॉल, दीवाने आम। अच्छा दीवाने आम इसको बोलते हैं। इसके बाद बंद कर दिया, अभी राजा का दरबार लगता है दीवाने खास में, उनकी परिवार के से 1932 के बाद ये सब सारे आगे बढ़ा हुआ है, एस्बेस्टस शीट के ऊपर पेंटिंग बनाकर लगा दिया, एस्बेस्टस। अच्छा ओके, ये बाद में लगा है क्या ऊपर का पेंटिंग? 1932 के बाद, 32 के बाद ओके। ये भी 70 साल के पुराना हो बट ये सब अलग अलग पैनल्स है, ये देखिए ब्रह्मा विष्णु शिवा, नहीं मैं बोल रहा हूँ अलग अलग पैनल्स है ये, जैसे मतलब ये एक एक काम नहीं है, मतलब अलग अलग बना के इसमें ये कर दिया, टच करके सेट टाइप किया हुआ है। राइट 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 राइट, दिख रहा है जोड़िया साइन, देखिए जोड़िया साइन, इसको सपोर्टिंग पिलर लगी है, समझ गया, आयरन बीम से पिटअप होता है, पूरे वजन संभाल रही है 50% वो खंभे। अच्छा वो सामने का राज परिवार लोग ऊपर बैठती है, औरत लोग इसमें मेहमानी लोग, जनता लोग सामने जमा होते थे, राजा लोग जनता को देख कर प्रणाम करने की कार्यक्रम, ओके इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम गणेश मंदिर है, महाराज पूजा करने के बाद, गणेश पूजा करने के बाद दरबार ड्रेस पहनकर इधर से जाती है तो दरबार लेने के लिए, ये सालिग्राम मूर्ति से बना है, सालिग्राम पत्थर, तो मालूम है समुद्र में मिलता है, नदी में मिलती है, वो बहुत पवित्र कॉम्पिटिशन पर इसको फर्स्ट अवार्ड मिला, ये हाथी का दांत, ये कौन सा हॉल है? अच्छा ओके, उनका प्राइवेट, महाराज कमिश्नर लोगों के साथ, दीवाने खास राज प्रतिनिधि लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ आचार विचार बात करने के लिए, ये हिंदू इस्लामिक यूरोपीय डिजाइन, ये महल में मतलब मैं बताता हूँ, ये जो येलो कलर है ये गोल्ड गोल्ड ये है क्या? पेंटिंग है ओके, ये भी नहीं है, महाराज आने के लिए चांदी के दरवाजे में आते रही कृष्णा लीला, ये भी चांदी का दरवाजा है, वो भी चांदी का दरवाजा।